कम से कम आधे घंटे का समय अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए जरूर डिवोट किया करो। नॉर्मल टर्म में हम लोगों को लगता है कि भाई मैं तो पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मुझे अपने हेल्थ को लेकर मुझे एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, मुझे बॉडी बिल्डिंग क्या करनी है। नहीं, ये किस लिए? ये अपने अंदर की निगेटिविटी को हटाने के लिए। यूजुअली 24 घंटे के समय में आप पाओगे कि न जाने कितने तरह की नकारात्मक बातें आपको अपने समाज से, अपने संबंधियों से, अपने घर से, अपने दोस्तों से सुनने को मिलती रहेंगी, और अगली बार इसी गलती की वजह से अपने प्लान्स को फेल कभी नहीं होने दूंगा। इस तरीके से आधे घंटे का रूटीन कैसा हो, तो देखो आप जिस भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग आपका स्टडी आवर्स माइनर चेंजेज के साथ आप डेवलप कर सकते हो। लेट से कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड के हो, 9th स्टैंडर्ड के हो, तो आपके स्टडी आवर्स 6-8 आवर्स होने चाहिए मिनिमम। इतना आप आराम से निकाल सकते हो, और इतना पढ़ाई करके अगर आपको बोर्ड में अच्छे परफॉर्म करने हैं तो उसके लिहाज से 6-8 घंटा रोजाना का पढ़ाई गुड इनफ है। अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हो तो मिनिमम आपको 8-10 घंटे रोजाना पढ़ाई करनी है। ध्यान रखना, ये जो मैं स्टडी आवर्स बात कर रहा हूँ इसमें इंक्लूडिंग अपना वीडियो देखने का है, ठीक है। 3-4 घंटे आपको वीडियो देखने में लगेंगे, 5-6 घंटे आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए रख लो। पढ़ाई का एक हमारा स्टैंडर्ड रूटीन किस टाइप का हो, तो इसके लिए एक हमने फॉर्मुलेट किया है जो कि आप अभी देखोगे स्क्रीन पे, आपको दिखेगा कि इस टाइप का अपना हमारा डेली रूटीन हो सकता है। सो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले 5 o'clock को अराइजल टाइम रखा गया, सुबह में जगने का समय। 5 बजे तक आप जरूर जग जाया करो। अगर आपकी आदत इससे पहले जगने की है बहुत अच्छी बात है। अगर लेट तक सोते हो 1 घंटे और मान लो, 6 बजे आजकल नॉर्मल 6-6:15 सूर्योदय का समय है। सूर्योदय के बाद मत सोना, ठीक है। दुनिया का कोई सा भी जीव जंतु आप देख लेना, कोई भी सूर्योदय के बाद नहीं सोया रहता है। एक मनुष्य ही ऐसा है जो कि इसका प्रिविलेज ले लेता है। तो सूर्योदय होने के साथ ही वातावरण में एक नई ताजगी होती है, तो उसके बाद आप बिस्तर पे पड़े रहो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हम लोग 5 बजे का एक औसत समय लेकर चलते हैं कि 5 बजे आप जग जा रहे हो। 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक फ्रेश हो जाना अपना, ब्रश वगैरह कर लो। 5:30 से 6 एक्सरसाइज, कम से कम आधे घंटे का समय अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए जरूर डिवोट किया करो। नॉर्मल टर्म में हम लोगों को लगता है कि भाई मैं तो पढ़ने वाला बच्चा हूँ, मुझे अपने हेल्थ को लेकर मुझे एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, मुझे बॉडी बिल्डिंग क्या करनी है। नहीं, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए एक्सरसाइज नहीं रिक्वायर्ड है। एक्सरसाइज तो इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपके पास उतना ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी होता नहीं है, तो उसका रिजल्टेंट ये है कि आप जो खाना खा रहे हो वो जो एनर्जी बर्न होगा और आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी नीडेड है। तो इस पर्पज से सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप एक्सरसाइज कर लिया करो। अगर आपको कुछ योगा पोस्चर आता है योगा कर लिया करो। जिस भी मोड में कुछ नहीं है आप रनिंग कर लिया करो, जॉगिंग कर लिया करो। छोटे छोटे एक्सरसाइज आपको स्कूल में सिखाए गए होंगे उनको प्रैक्टिस कर लो। आधे घंटे का समय रोजाना अपने शरीर के लिए फ्रेश होने के बाद जरूर डिवोट करो। 6 बजे से 6:30 नहाने का काम बाथिंग, 6:30 तक आधे घंटे तक अच्छे से आप नहाओ दो डेली। 6:30 से 6:45 तक 15 मिनट का समय प्रेयर के लिए, ठीक है। प्रेयर क्यों? प्रेयर तो केवल स्कूल में रिक्वायर्ड होता है? नहीं, प्रेयर बेसिकली इसलिए कि जब से हम जन्म लिए हैं और आज जिस उम्र के हैं, जन्म से लेकर अभी तक हमारे जीवन में न जाने कितने लोगों का उपकार हमारे ऊपर रहा है। माता पिता से लेकर के अपने संबंधियों से लेकर अपने टीचर्स से लेकर सोसाइटी के न जाने कितने लोगों का हमारे ऊपर एहसान रहा है, जिनकी मदद से जिनके सपोर्ट से आज हम इस अवस्था में हैं, हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। सो प्रेयर में एक भाव होता है हर एक पर्सन के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, रिलेटिव्स के प्रति, सभी के लिए थैंकफुलनेस का भाव। और दूसरा जो प्रेयर का एस्पेक्ट होता है कि हम सब लोग एक जैसे देवता किसे कहते हैं, तो जिसके अंदर ढेर सारी अच्छाइयाँ हों, अच्छाइयों के समूह को ईश्वर कहा जाता है। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर भगवान देवी देवता किसी को मानता हूँ तो मैं उनके सामने बैठ करके ऐसा प्रार्थना करता हूँ कि उनके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो मेरे अंदर आती चली जाएं। एक नल की टोटी को अगर ऊपर में एक टैंक वाटर टैंक से कनेक्ट कर दिया जाए
तो उस नल की टोटी से भी उसी तरीके का वाटर फ्लो होने लगता है जैसा कि उस टैंक में भरा होता है। सो प्रेयर के समय हमारा एक भाव ये भी रहता है कि मैं जिस भी देवी देवता के सामने बैठा हूँ, अगर किसी को नहीं मानते हो पेरेंट्स को ही मान लो, फील किया करो कि मैं 10 से 15 मिनट अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हूँ, उनके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो मेरे अंदर फ्लो हो रही हैं। तो इस टाइप का फीलिंग, एक थैंकफुलनेस के लिए प्रेयर जरूरी है, और दूसरा अपने आप को ऊँचा बढ़ाने के लिए, अपने आप को ऊँचा उठाने के लिए। फिर 6:45 से 7 o'clock 15 मिनट के लिए प्राणायाम या मेडिटेशन। प्राणायाम या मेडिटेशन ये किस लिए? ये अपने अंदर की निगेटिविटी को हटाने के लिए। यूजुअली 24 घंटे के समय में आप पाओगे कि न जाने कितने तरह की नकारात्मक बातें आपको अपने समाज से, अपने संबंधियों से, अपने घर से, अपने दोस्तों से सुनने को मिलती रहेंगे। जिधर देखो उधर ही नकारात्मक बातें। इन निगेटिविटी को अपने अंदर से हटाने के लिए, चाहे अनचाहे में वो हमारे अंदर प्रवेश कर ही जाता है, सो मेडिटेशन या प्राणायाम, ये दोनों ही चीज़ बड़ी मददगार होती हैं। प्राणायाम एक छोटा सा एक्टिविटी, सबसे पहले 4 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में गहरी सांस लेना, सेकेंड स्टेप होल्ड करना, थर्ड स्टेप सांसें छोड़ना, एंड फोर्थ स्टेप फिर से थोड़ी देर के लिए होल्ड करना। तो इस तरीके से ये एक साइकिल है, अलग अलग तरीके से जो प्राणायाम किया जाता है, आप कहीं भी यूट्यूब चैनल वगैरह पे या बुक्स वगैरह में देख सकते हो डिफरेंट टाइप का प्राणायाम और उनका यूसेज है। बट हर एक प्राणायाम का कोर में यही एक प्रोसेस होता है। एंड सेकेंड एक्टिविटी इज मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हो और भी बढ़िया बात है, दो में से कोई सा भी एक, प्राणायाम या मेडिटेशन। सो इस तरीके से 7 बज गया, 7 बजे से लेकर 8:30 तक सुबह में 1.5 घंटे, 7 से 8:30 तक 1.5 घंटे का टाइम सेल्फ स्टडी के लिए। आपको जरूर पढ़ाई करनी है 1.5 घंटे के लिए, ठीक है। 8:30 to 9 o'clock ब्रेकफास्ट कर लो, हल्का फुल्का कुछ खाने वगैरह का हो, चना वगैरह घर में अरेंज कर सकते हो। ब्रेकफास्ट अगर शेड्यूल्ड ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट कर लिया करो। 9 बजे से 12 बजे ये 3 घंटा कंटिन्यू स्टडी। क्यों 3 घंटे का लगातार स्टडी का क्या एडवांटेज? क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम के लिए अपियर होने जाओगे वो एग्ज़ाम आपको 3 घंटे तक लगातार बैठ कर के देनी है। तो अगर 3 घंटे आपको एग्ज़ाम मोड में रहना है कभी न कभी, तो क्यों ना उसका अभ्यास स्टडी मोड से कर लिया जाए। स्टडी मोड तो उसके कंपेयर में ईजियर है, उसमें तो हमारे पास किसी टाइप का एक्सटर्नल प्रेशर भी नहीं होता है, हमारा तो एक ही पर्पस है, पढ़ाई करना, समझना, क्वेश्चंस करना। तो इसलिए 3 घंटे का समय अपने सेल्फ स्टडी पे डिवोट करो। 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटे का समय लंच करने के लिए और रेस्ट करने के लिए, लंच कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, घूमो फिरो। 1 बजे से 2 बजे का समय नॉन एकेडमिक रीडिंग। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई के साथ साथ, कोर्स स्टडी के साथ साथ, और भी अलग तरह की चीज़ें पढ़नी ही चाहिए। अगर आप, सबसे बढ़िया इसमें होता है आप बड़े लोगों को पढ़ो कि उनकी जीवनियाँ कैसी रहीं। आप अब्दुल कलाम साहब को पढ़ो, आप गांधी जी को पढ़ो, आप नेल्सन मंडेला को पढ़ो, आप अब्राहम लिंकन को पढ़ो, जिस किसी को आप फॉलो करते हो, आप विवेकानंदा को पढ़ो, आप श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तकें पढ़ो, आप किसी न किसी नॉन एकेडमिक बुक को आपको रोजाना कम से कम 1 घंटे का समय देना चाहिए। अगर इस टाइप की रीडिंग आपको उतना ज़्यादा रुचिकर ना लगती हो तो भी आप जनरल नॉलेज की चीज़ें पढ़ लिया करो, न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो, देश में क्या चीज़ें चल रही हैं, कोरोना महामारी है इसके बारे में जानकारियां जमा करो। तो एक तरीके से ये आपका स्टडी के मोड को थोड़ा चेंज करने के लिए और आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो इसलिए 1 घंटे का समय नॉन एकेडमिक रीडिंग के लिए। 2 बजे से 2:30 बजे तक फैमिली टाइम। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतना ज़्यादा समय हमको अपने परिवार वालों के साथ बिताने का मिल रहा है। तो इसलिए आपके घर में दादा दादी, नाना नानी, कोई एजेड पर्सन, चाचा चाची, बुआ, इस टाइप के रिलेटिव्स या छोटे बच्चे, तो इनके साथ आप थोड़ा समय बिताने का प्रयास करो, उनको सुनो, बड़े लोगों से सीखो, छोटे लोगों के साथ समय बिताओ, उन्हें प्यार दुलार दो। तो इस तरीके से कम रोज़ाना 1/2 घंटे का समय अपने फैमिली टाइम के लिए निकाल के रखो। फिर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक 2 घंटा फिर से अपना कोर्स स्टडी करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, 10th में है तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट स्टडी है, 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। 4:30 से 5:30 तक सर्विस टू फैमिली, अपने परिवारजनों को कुछ मदद करो, घर के कामों में मदद करो। आप अभी घर पर रह रहे हो, ठीक है,
तो आप घर के लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते हो। घर वाले आपको खाना देते हैं, घर वाले आपको हर तरीके से मदद करते हैं, आपका भी फर्ज बनता है आप घर के लोगों के लिए नियमित रूप से 1 घंटे का समय किसी न किसी रूप में, जो भी आपके घर में काम अवेलेबल हो उन्हीं कामों में घर वाले लोगों को मदद किया करो। तो 1 घंटे का समय घर के लिए, फिर 5:30 से 6:30 एक घंटे का समय खेलने के लिए, मोबाइल फ़ोन यूज करने के लिए, इस तरीके का जो भी आपका रिफ्रेशमेंट का पर्पस हो, अपना जो भी आपका हॉबी हो उस पर डिवोट करो। वापस से 6:30 से 8 बजे तक 1.5 घंटा फिर से अपना कोर्स का स्टडी करो। 8:00 से 8:30 बजे तक रात का खाना खा लो। 8:30 से 9 बजे तक पूरे दिन का एनालिसिस कर लो। डायरी राइटिंग की आदत है, बहुत बढ़िया बात है। डायरी राइटिंग नहीं भी है तब भी आप सोचो कि सुबह में जब मैं हर दिन नया जीवन हर रात नई मौत के सूत्र के साथ शुरुआत किया, सुबह में जो हमने योजना बनाई वो योजना किस हद तक मेरा सफल रहा, और अगर चीज़ें कहीं पर लैग कर रही हैं तो उसका क्या रीजन रहा है। और आप उसी के साथ संकल्प लिया करो कि मैं जिन कमियों की वजह से, जिन कमजोरियों की वजह से अपने कार्य को आज कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं अपने अंदर से उन बुराइयों को, उन कमजोरियों को मिटाने का भरसक कोशिश करूंगा, और अगली बार इसी गलती की वजह से अपने प्लान्स को फेल कभी नहीं होने दूंगा। इस तरीके से 1/2 घंटे का समय डे एनालिसिस के लिए, 9:00 से 10:30 बजे तक फिर से आप अपना कोर्स स्टडी करो। या और बढ़िया चीज़ अगर बताया जाए तो आपने जो पूरे दिन में पढ़ाई किया है उस दिन भर के पढ़ाई को रिवाइज कर लिया करो। तो इस तरीके से अदर एक्टिविटीज़ के साथ अगर कोर स्टडी देखा जाए तो एक इंटरवल था सुबह का 7:00 से 8:30 बजे तक, दूसरा इंटरवल है 9:00 से 12:00 बजे तक, तीसरा इंटरवल था 2:30 से 4:30 बजे तक, चौथा इंटरवल था 6:30 से 8:00 बजे तक, और 5वां इंटरवल है 9:00 से 10:30 बजे तक। तो कुल मिला के अगर आप इसको सम अप करोगे, टोटल का टोटल जोड़ने का कोशिश किया जाए तो 3-2 5 घंटे और 3.5 4 9 9.5 घंटा आप जिस भी क्लास में हो, 10th 9th 10th में हो या 11th 12th में, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसको थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये एक स्टैंडर्ड रूटीन है जो आपका अभी फॉलो होना चाहिए। आपके क्वेरीज को कवर करते हुए, आपके पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए यहाँ पे बातें रखी गई हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में अपकमिंग सेशन में क्या क्या चीज़ें आपको और सीखनी है और जानने का आप कोशिश करोगे, इन बातों को आप ज़रूर शेयर करना। हम पूरी टीम जो काउंसलिंग गुरुज की टीम है, उनके सारे टीम मेंबर्स बड़े ही रिगरसली आपके सपोर्ट के लिए लगे हुए हैं, और उनके थ्रू जो भी कंसर्न हम तक पहुँच पाएगा प्रयास करेंगे कि उनका सेटिस्फैक्ट्री एंड कन्विंसिंग रिस्पॉन्स, जो कि प्रैक्टिकल भी हो, जो कि अप्लीकेबल भी हो, आप तक पहुंचा पाएं। थैंक यू ऑल।